आप सभी सोते हैं तो रात्रि में स्वप्न देखते हैं? देखते हैं ना सभी? तो स्वप्न में जो चीजें आपके समक्ष आ रही है उनको आप हकीकत मानते हैं कि नहीं मानते? सपने में जाग जाओगे तभी तो पता चलेगा कि भैया सपना देख रहे थे। सपने में तो आपको हकीकत ही लगेगा, लेकिन समाधि उससे अलग अवस्था है। सपने में तो आपको महाराज कहां सो रहे हो, कहां पड़े हो, कौन हो आप, ये तक पता नहीं रहता। रहता है? कितने लोग रात दिन सोते हैं, कितने लोगों को पता है कि अगर उनका नाम गेंदा लाल है, छगन लाल है, मगन लाल है, तो उनको कहां पता होता कि मेरा नाम ये है? सोने के बाद किसी को पता रहता है आप कहां से हो? हमारे जमाओ माता के क्षेत्र से हो, झारखंड से हो, कौन हो, मुखिया हो, मंत्री हो, साधारण मनुष्य हो, किसान हो, किसके पति हो, किसके बाप हो, कोई पता नहीं रहता। लेकिन समाधि अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को उतनी ही गहरी, जितनी निद्रा में आप रहते हैं, उतनी चेतन अवस्था में पहुंचता है, लेकिन उसे सब ज्ञात होता है कि वो कहां पर बैठा है, किस जगह पर है और वह कौन है। वो जागृत अवस्था है, इसीलिए वो समाधि अवस्था। और आप बेसुध होकर अपनी चेतनता में नहीं रह पाते, भूल जाते हैं सब कुछ बेहोशी के अवचेतन मन से। जब आप होते हो तब उसे निद्रा का नाम दे दिया जाता है, जहां आपको होश नहीं है किस दिशा में आपके पांव हैं, किस गांव में लेटे हुए, किस घर की किस मंजिल में हो, कुछ खबर नहीं। बगल से पत्नी है, पति है, बच्चे लेटे, कोई अता पता नहीं। इसे कहते हैं नींद। और अगर इसी में होश आ जाए कि आपको पता हो आप कौन हो, किस जगह हो, इतनी गहराई के अंदर हो, उसे कहते हैं समाधि। और ऐसी जागृत अवस्था में भगवत कृपा से जिन ऋषियों के समक्ष वेद उतरे थे वो साक्षात भगवान है, इसलिए वेद को भगवान कहा जाता है।